आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की संस्था गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की संस्था नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है भारत के इतिहास में, सबसे भ्रष्ट भारत के इतिहास में, सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है। मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका साथ। बोर्डिंग अ फ्लाइट टू कैलकाटा, सो दिस क्विक रिएक्शन ऑन व्हाट जस्ट हैपेंड टू मिस्टर राहुल गांधी। द बीजेपी आर डेस्परेट टू साइलेंस द वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन। वी नो दे आर डेस्परेट, वी नो दे वांट टू साइलेंस द वॉइस, we know they would go to all kinds of lows, but this is the low of the low, the lowest since 1950. Terrible, the lowest in parliamentary democracy, in the history of parliamentary democracy. BJP, how low can you go, Mr. Modi and Mr. Shah? BJP, shame on you, shame. शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। जिस तीव्रता से यह निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रह गए। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब यह सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, अपनी तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा करना में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिलकर के, लोगों के साथ मिलकर के, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा, अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी का कि लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ आज, ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी।